हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल क्यू स्टडी। आज हम ओलंपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स के बारे में। आपको पता है अभी कुछ टाइम पहले ओलंपिक्स हुए थे और आजकल पैरा ओलंपिक्स चले हैं, तो ये ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। तो ओलंपिक्स 2020, एक्चुअली ये 2021 में इस साल हुए, लेकिन ये 2020 में होने थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये पोस्टपोन हुए थे। तो आपको पता है अभी ओलंपिक्स हुए थे 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक, ठीक है। ओलंपिक्स जो सबसे पहले हुए, ओलंपिक्स ना जो समर ओलंपिक्स होते हैं और एक होते हैं विंटर ओलंपिक्स, जो समर ओलंपिक्स थे वो सबसे पहले हुए थे 1960 में, और ये हुए थे रोम में, रोम के इटली में। और जो विंटर ओलंपिक्स है वो हुए थे 1976 में, और ये हुए थे स्वीडन में। इसे आप याद रखिएगा। जो ये विंटर ओलंपिक्स होते हैं ना, इसमें मेनली जो ये मतलब आइस वाली गेम होती है ना, बर्फ वाली, वही होती है। अब ये 22 में होने वाले हैं बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स ना, और अभी समर ओलंपिक्स हुए थे, ठीक है। और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, देखो विमन ने ओलंपिक्स में 1900 में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था, और जो 1900 में ओलंपिक्स हुए थे वो हुए थे फ्रांस में। और एक और बात, फुटबॉल भी इसी टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 1900 में, जब वुमेन ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था, ठीक है। और इंडिया ने ओलंपिक में फर्स्ट टाइम पार्ट किया था 1920 में, उस टाइम जो ओलंपिक्स हुए थे वो हुए थे बेल्जियम में, ठीक है। और जो ये अभी ओलंपिक्स हुए, ये 32nd एडिशन है ओलंपिक्स का, मतलब 32nd टाइम ये ओलंपिक्स हुए हैं जो ये भी ओलंपिक्स हुए थे, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रिंग्स वी सी इन द फ्लैग ऑफ ओलंपिक। तो जो ये ओलंपिक्स का फ्लैग है इसमें आपको कितनी रिंग्स दिख रही है, 1 2 3 4 5, तो कितनी रिंग्स होती हैं, 5। और जो ये रिंग्स है ये कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है, इसमें एंटार्क्टिका नहीं है। तो जो ये ब्लू रिंग है ये करती है यूरोप कॉन्टिनेंट को, येलो है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट, ब्लैक है अफ्रीका, ग्रीन है ऑस्ट्रेलिया, एंड रेड इज़ फॉर अमेरिका। इसे आप याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, आप देखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ ओलंपिक्स गेम 2021। इसको 2021 भी बोलते हैं और 2020 भी लिखा होगा कई जगह। तो जो इसका मोटो था वो था यूनाइटेड बाय इमोशंस। नेक्स्ट है, अब देखो इंडिया की तरफ से मेडल किसे किसे मिले। अब मैंने आपको बोला इंडिया ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था 1920 में, और उस टाइम ओलंपिक्स कहाँ हुए थे, बेल्जियम में, ठीक है। तो फिर इंडिया में आपको आपको पता ही है, इस बार ना सबसे पहली बात, इस बार सबसे ज़्यादा जो मेडल्स मिले ना, रुको मैं आपको यहाँ बताती हूँ, वो मिले हैं यूएसए को। और यूएसए को मिले टोटल 113 मेडल, जिनमें से 39 गोल्ड थे, 41 सिल्वर थे और 33 ब्रॉन्ज थे। सेकंड नंबर पे है चाइना और थर्ड नंबर पे है खुद जापान, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेडल मिले हैं यूएसए को, 113 मेडल, याद रखिएगा इस बात को। अब जो इंडिया है, इंडिया को मिले हैं टोटल 47th मेडल, और इंडिया का 48th रैंक है टोटल टोक्यो ओलंपिक्स में। और इंडिया को टोटल कितने मेडल मिले हैं, 7। अब आपको पता ही है इंडिया को एक गोल्ड मेडल मिला है, 2 सिल्वर मेडल मिले हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं, ठीक है। फिर आपको मैं बताती हूँ गोल्ड मेडल किसको मिला है। इंडिया में गोल्ड मेडल मिला है नीरज चोपड़ा जी को, और ये मिला है जेवलिन थ्रो में। और दो जो सिल्वर मेडल मिले हैं वो मिले हैं, एक मिले हैं मीराबाई चानू को, वो मिले हैं वेट लिफ्टिंग में, और दूसरा मिला है रवि कुमार धैया को, वो मिला है रेसलिंग में। और जो 4 ब्रॉन्ज मिले हैं उसकी बात करते हैं, सबसे पहले मिला है पीवी सिंधु को, वो मिला है बैडमिंटन में। और फिर मिला है इंडियन मेल हॉकी टीम को, ये मिला है हॉकी टीम है। और ना जो ये इंडियन हॉकी टीम को मेडल मिला है, ये मिला है आफ्टर 41 ईयर्स। और फिर मिला है बजरंग पूनिया को, और फिर मिला है लवलीनिया को, और इसको मिला है बॉक्सिंग में।
आप जो इंडियन हॉकी टीम है इसको आफ्टर 41 ईयर्स मेडल मिला है, और जो ये इंडियन हॉकी टीम है इसमें एक हिमाचल से भी लड़का खेल रहा था, मैंने आपको कल ही बताया था, अब मुझे कमेंट में बताइएगा उसका नाम क्या था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा है, सबसे पहला मेडल मिला है मीरा, मैंने आपको अभी ऊपर बताया ना कि कैसे कैसे मिला है, गोल्ड किसको मिले हैं, 2 सिल्वर, यहाँ पे ये मैंने सीरीज वाइज बताया है। सबसे पहले मिला है मीराबाई चानू को वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल, फिर मिला था सेकेंड मेडल पीवी सिंधु को बैडमिंटन में ब्रोंज, उसके बाद मिला था लवलीना को ब्रोंज मेडल बॉक्सिंग में, फिर मिला था इंडियन मेल हॉकी टीम को ब्रोंज मेडल, फिर मिला था रवि कुमार दहिया को रेसलिंग में सिल्वर मेडल, और फिर मिला था बजरंग पुनिया को रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल, और लास्ट आपको पता है नीरज चोपड़ा, इनको मिला था, इन्होंने जेवलिन थ्रो में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाया था। तो ये है नीरज चोपड़ा, इन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट में 87.58 मीटर फेंका था 7 अगस्त 2021 को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी वो इम्पॉर्टेंट है पीवी संधू, इनको ये पहली विमेन है या जिनको 2 बार ओलंपिक्स में मेडल मिले हैं पीवी सिंधु को, और फर्स्ट वुमेन है जिसको इंडिया से 2 बार मेडल मिले हैं। इससे पहले जो सुशील कुमार है उसको उनको मेडल मिल चुके हैं ओलंपिक्स में 2 बार। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, इस बार 5 न्यू गेम्स ऐड हुई है, तो वो हुई है सफरिंग, स्केटबोर्ड, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे एंड बेसबॉल। और एक और बात, जो ये बेसबॉल है ये आफ्टर 13 ईयर ऐड हुई है ओलंपिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कंट्रीज़ आर एक्टिव पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। जो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ये ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज कराती है, समर और विंटर दोनों ओलंपिक्स को ये ऑर्गेनाइज कराती है, और जो वो पैरा ओलंपिक्स होते हैं उसके लिए अलग कमेटी बनी है, इसी के अंडर काम करती है वो भी इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक्स कमेटी। तो हम इसकी बात करते हैं अभी, इसमें तो टोटल अभी एक्टिव कंट्री है 105। और जो ये इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी, इसका हेडक्वार्टर आपको पता है स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड के लोसाने में, और इसके जो भी प्रेजिडेंट है वो है थॉमस बैच। और एक और बात इस कमेटी से रिलेटेड, इसमें टोटल इसमें एक हो गया हमारा चेयरमैन, एक हो गया वाइस चेयरमैन, सॉरी इसमें तीन हो गए, तीन होते हैं वाइस चेयरमैन और 7 होते हैं इसमें मेंबर, तो टोटल 11 लोग होते हैं, एक चेयरमैन, 3 वाइस चेयरमैन और 7 मेंबर, एक चेयरमैन, 3 वाइस चेयरमैन, 7 मेंबर। अब एक और बात, इंडिया से जो फर्स्ट विमन इसकी मेंबर बनी है वो है हमारी नीता अंबानी, इसे याद रखिएगा आप, नीता अंबानी जो है इंडिया की पहली मेंबर है इस कमेटी की, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज द फादर ऑफ ओलंपिक्स। तो फादर ऑफ ओलंपिक्स कहते हैं पियर डी क्यूबर्टिन को। एक और बात, वैसे तो इनके साथ पियर डी क्यूबर्टिन के साथ मिलके एक इंसान थे जेमी टेरियस, इसकी स्पेलिंग है DEMETRIOUS, इन्होंने डेमिटेरियस वकेल्स नाम के आदमी थे, इन दोनों ने, ये दोनों फाउंडर थे IOC के, जो मैंने आपको बताया इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के, लेकिन इन्हें ही कहा जाता है फादर पियर्स डी क्यूबर्टिन को, क्योंकि इन्होंने ना वो भी किया था, एक और बात, इन्होंने लोगो है ना जो ओलंपिक्स का उसको भी डिज़ाइन किया था। ठीक है, इन्हें कहते हैं फादर ऑफ ओलंपिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो इसकी जो थीम है वो है ये वर्ल्ड वी शेयर, तो आप इसकी थीम मोटो सब कुछ याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट, 1920 में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पैरा ओलंपिक्स की। अब मैं आपको पैरा ओलंपिक्स के बारे में एक बात बता दूं, जो जब ओलंपिक्स होते हैं तो उसी साल पैरा ओलंपिक्स भी होते हैं, और वहीं पे होते हैं जहाँ पे ओलंपिक्स हुए थे, उसी जगह होते हैं जस्ट उसके बाद। अब जो सुनो, नेक्स्ट जो पैरा नेक्स्ट जो ओलंपिक्स होंगे वो होंगे 2024 में, और ये होने वाले हैं फ्रांस में। ठीक है, समर ओलंपिक्स की बात कर रही हूँ मैं, विंटर तो अभी 22 में होंगे बीजिंग में। तो फिर अब मैं पैरा ओलंपिक्स से, जो ये पैरा ओलंपिक्स अभी चल रहे हैं ये
24 अगस्त से स्टार्ट हुए हैं, ये चलेंगे 5th सितंबर तक, 5th सितंबर तक ये चलेंगे। अब जो ये है ये 16th एडिशन है, 16th टाइम हो रहे हैं, ऑब्वियसली ये भी टोक्यो में ही होगी, मैंने बोला उसी जगह होते हैं जहाँ पे पहले हुए थे, इसको जापान ही ऑर्गेनाइज कर रहा है। और एक और बात, इसको जो जो है द एम्परर ऑफ जापान नरुहितो वो इसको होस्ट कर रहा है पैरालंपिक्स गेम को, तो इसको होस्ट कौन कर रहा है, एम्परर ऑफ जापान नरुहितो, ठीक है। 16th एडिशन है, मैंने आपको बोल दिया, 26th अगस्त से चलेंगे 5th सितंबर तक। तो इसमें जो टोटल कंट्रियां पार्टिसिपेट कर रही है वो है 163, ठीक है जी। मैंने आपको बताया कि टोक्यो जो कैपिटल है वो, सुनो सुनो एक और बात है इसमें, जो टोक्यो है जापान की कैपिटल, वो एक ही ऐसी सिटी है वर्ल्ड की जिसने पैरा ओलंपिक्स गेम को 2 बार होस्ट कराया है, ठीक है। एक कराया था इन्होंने 1964 में और दूसरा इन्होंने 2001 में कराया था पैरा ओलंपिक्स गेम को होस्ट। तो अभी जो टोक्यो कराएगी वो 3rd टाइम हो जाएगा। तो फिर जो टोक्यो है वो पैरा ओलंपिक्स गेम को टोटल 3 बार मान के चलो कर रही है, इस टाइम भी तो वही कर रही है। और जो समर ओलंपिक्स था उसको 2 बार कराया हुआ है टोक्यो ने, और विंटर ओलंपिक्स को टोक्यो ने 1 बार होस्ट किया है, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन है ये हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये है द थीम सॉन्ग ऑफ टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम कर दे कमाल तू इज लॉन्च्ड बाय, तो इसको किसने लॉन्च किया है, अनुराग ठाकुर जी ने। तो आपको पता है अनुराग ठाकुर जी हिमाचल से एमपी है, हमीरपुर से एमपी है ये, और ये हमारे करंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी है, तो इन्होंने इसको लॉन्च किया है। अब देखो अनुराग ठाकुर जी के बारे में कुछ, ये 17th नंबर के स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, और इन्होंने जिसको रिप्लेस किया है वो है किरण रिजिजू। और जो ये हिमाचल से ये 5th यूनियन मिनिस्टर है, इनसे पहले जो 4 यूनियन मिनिस्टर थे वो शांता कुमार वीरभद्र सिंह आनंद शर्मा और जेपी नड्डा रह चुके हैं। तो ये 5th यूनियन मिनिस्टर है फ्रॉम हिमाचल प्रदेश और 17th स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इन्होंने रिप्लेस किसको किया था, किरण रिजिजू को। सो नेक्स्ट है हमारा, और ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि शूटर है अवनी लखेरा, ये जयपुर से है, इन्होंने पहली वुमेन बनी है इंडिया से जिन्होंने गोल्ड जीता है पैरा ओलंपिक्स में, शूटिंग में जीता है, अवनी लखेरा इनका नाम है, ठीक है। और मैं आपको ओलंपिक्स के बारे में कुछ बताती हूँ, रशिया है ना जो, उसको बैन कर रखा था टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। तो जो रशिया के प्लेयर है वो RO नाम से खेलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है रशियन ओलंपिक्स कमेटी, इसे भी आप याद रखिएगा। सो ये थे ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो कल मिलते हैं।